तीनों जगह उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकर्ताओं की अपेक्षा हुई, इसलिए हम इलेक्शन हारे। तो आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने साथ है, अब हम तो जीत की बात करें और हम जीत रहे हैं, इंशाल्लाह अपन सब एक होने की बात करें, संकल्प की बात कर रहे हैं। तो मैं मेरी तरफ से संकल्प, मैं भी टिकट का दावेदार था, जय भाई भाभी भी वहाँ थी, नई मकबूलो भी थे, मोहम्मद अजमल भी थे और भी एक कांग्रेस के थे, वो सब भी पार्टी का दे रहे थे, मैं भी दे रहा था। लेकिन किसी को भी मिले, मैं संकल्प देता हूँ कि मैं पार्टी के लिए काम करूँगा इंशाल्लाह। तो मैंने उसके लिए भी कहा, सुनील जी मौजूद है, मैंने इनको भी कहा कि हम आपके साथ, हमें किसी पे कोई इतराज नहीं है। अरे अब बहुत पीड़ा हो गई अपन लोगों को, अब समझना हो गया कि अपन को एक होना है और कार्यकर्ताओं की इज्जत होने का और कार्यकर्ताओं का सम्मान होने का समय आ चुका है। अब आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कह रहा है, ये बहुत बड़ी बात होती है, और विदेश में कह रहा है और देश में कह रहा है, अपनी अपनी समझे तो अपनी बातें या शिकायतें करते रहेंगे इंशाल्लाह। जीतेंगे और हिंदुस्तान जीतेंगे। जिस दिन हम पेट्रोल पंप का जब वो हुआ था, उस दिन में मैंने कहा था कि हम राजस्थान जीतने जा रहे हैं, हम कोई इलेक्शन हम नहीं हारेंगे इंशाल्लाह। लेकिन शक्ति कार्यकर्ताओं की बूथ, अरे 130 साल में 75 साल से ये देख रहे हैं कि बूथ बनाना सब मालूम है अपने को, अपन सबको बस एक रहना है, सारे के एक बात मालूम है, 75 साल से इलेक्शन लड़ा रहे हैं, 75 साल से ये ऑफिस चला रहे हैं, कौन आदमी कहाँ पे कैसा सबका पता है। लेकिन सबकी इज्जत हो, सबका विकार हो, सबका सम्मान हो, अगर ये सम्मान नहीं होगा पार्टी में वार्टी में टूट पैदा होगी। और ये हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहा है तो बाहर कह रहा है, देश में कह रहा है, तो अब अपन को एक होना चाहिए और अपन को एक दूसरे पे एलिगेशन नहीं लगा के अपन सबको एक होकर काम करना चाहिए, प्यार से मोहब्बत से काम करना चाहिए। टिकट किसी का भी, मैं तो मेरी कह रहा हूँ, अगर मेरा टिकट नहीं होता है तो भी मैं पूरी लगन से सबसे पहले मुझे पाएंगे। इस तरह की मीटिंग नहीं होना चाहिए कि 15-20-25 आदमी अपन मिले हैं, अपना तो हॉल भरा हुआ होना चाहिए, अपन तो जीत रहे हैं। आप कम से कम इंफॉर्मेशन देने में थोड़ा सा एक्टिव रहिए, मैं तो अध्यक्ष से भी यही विनती करता हूँ, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष से भी यही विनती करता हूँ कि भाई इंफॉर्मेशन सबको जाए। अब आप अगर अपन सब कार्यकर्ता एक रहेंगे तो अपन जीतेंगे, निश्चिंत रहो, सब एक रहो, प्यार से प्रेम से काम करो, और हर कार्यकर्ता का उसमें मैं भी आपके साथ लेके आऊँ, मैं बहुत से पद पे हूँ, मैं भी आपके साथ, अपना सबका मान होगा सम्मान होगा, निश्चिंत रहें। इसके लिए कमिटमेंट राहुल गांधी जी का है, इसके लिए उन्होंने अशोक जी का है, सचिन पायलट यही बात कह रहे हैं, तो अपन सबको अपना सबको अपना हक मिलेगा। अब आप घबराओ मत, पार्टी के लिए सब काम करो, पार्टी को जिताने की बात करो, जब पार्टी एक होगी अपन सब एक होंगे तो अपने आप अपने कार्य भी होंगे, सब जो भी शिकायतें होंगी होंगी, जब अपन पावर में होंगे तो सारे कार्य होंगे। ठीक है, जय हिंद जय भारत।